पिछले दिनों हुई प्रदीप मिश्रा की मौत पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ ने जताई हत्या की आशंका, उचित कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार को आईजी को सौंपा ज्ञापन। 10 मई को मृतक प्रदीप मिश्रा रात को अपने घर से यह कहकर गया था कि वो सिलपरा अपने मौसी के घर जा रहा है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा और उसकी लाश सिलपरा नहर के पास पड़ी मिली थी, जिसकी जानकारी उन्हें अस्पताल के द्वारा मिली थी। मृतक के परिजनों ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई थी और गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्यवाही की मांग की थी। इस मांग को लेकर सोमवार को सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण महासंघ रीवा आईजी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराने की मांग की है। साथ ही मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवा कर संदेहियों को पकड़ने की मांग भी की है। एक्चुअली क्या है, 10 तारीख को एक हत्या का प्रकरण आया था। प्रदीप मिश्रा जी हैं, जितौही गाँव के, उनकी एक बॉडी सिलपरा के आसपास पाई गई थी और बॉडी को देखने के बाद ये समझ में आया कि वो हत्या का उसमें पूरा प्रकरण था, जो उनके बॉडी को जो फिजिकली उसको सर्च किया गया। और उनके जो परिजन हैं प्रदीप मिश्रा जी के, उन्होंने गोविंदगढ़ थाना में और पिछिया में उन्होंने आवेदन दिया और नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इन्होंने उसी दिन धमकी दिया दूसरे को मारने के लिए, उसके एविडेंस भी हैं और अभी तक इनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। ठीक है, तो हमारा ये आज साहब से मांग है कि संबंधित सक्षम अधिकारी को वहाँ पर भेजें, डीएसपी लेवल या एसपी लेवल के अधिकारी को, उसकी जांच करें। इनके पास जो एविडेंस है, जैसे कॉल डिटेल निकलवाने की बात कर रहे हैं, जब उस लड़के ने धमकी दिया उसकी सारी बातें हैं, ठीक है, तो वो एक जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है तो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए।